लैंडस्केप ऑफ द सोल बाई नथाली ट्रवेरॉय हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आत्मा के परिदृश्य नामक पाठ की दैट इज़ चैप्टर फोर इन योर हॉर्नबिल बुक सो लेट्स बिगिन वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे एंड देन लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन सो फर्स्ट कैरेक्टर दैट वी हैव वू दाउजी वू दाउजी एट्थ सेंचुरी में चाइनीज लैंडस्केप पेंटर था जो एम्परर जुआंग जोंग के कहने पर एक पेंटिंग बनाता है और पेंटिंग को छुपा के रखता है ताकि कोई दूसरा न देख पाए केवल एम्परर ही उसको देख पाए एम्परर उसकी पेंटिंग की खूब तारीफ करता है और अल्टीमेटली वो पेंटिंग और साथ में पेंटर दोनों गायब हो जाते हैं एम्परर जुआंग जोंग ये चाइनीज एम्पर है इसी ने कमीशन किया था वो दाउजी को पेंटिंग बनाने के लिए अपने पैलेस वॉल के डेकोरेशन के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर हो क्विंटिन मेटसिस ये वूदाओजी चाइनीज़ पेंटर है और क्विंटन मेडसिस बेल्जियन पेंटर है ये बेल्जियम से है फ्लैंडर्स से है अ प्लेस इन बेल्जियम ये रियलिस्टिक पेंटिंग बनाता है बिल्कुल रियल इसको प्रेम हो जाता है एक पेंटर की बेटी से पेंटर कहता है कि तुम ब्लैक स्मिथ हो तुम्हारा प्रोफेशन मुझे पसंद नहीं है मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा तो वो पेंटिंग एक बार उसके स्टूडियो में चला जाता है चुपके से और वहाँ पे एक मक्खी बनाता है और इतना रियल उसको बना देता है कि जो मास्टर पेंटर है वो सोचने लगता है उसको भगाने लगता है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो रियल मक्खी है बिल्कुल ऐसा बनाया था रियल नाउ लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वूदाउजी वुधाउजी के बारे में मैंने आपको बताया कि चाइनीज पेंटर है एट्थ सेंचुरी में था वो लिव्ड इन दी एट्थ सेंचुरी इज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाई द टेंग एम्परर जुआॉन्गोंग टेंग एम्परर यह भी चाइनीज एम्परर था इसने कमीशन किया था कहा था वो दाऊजी को एक पेंटिंग बनाने के लिए ताकि वो अपनी पैलेस वॉल को डेकोरेट कर सके और यही पेंटिंग वू दाऊजी की लास्ट पेंटिंग थी क्योंकि उसके बाद उसको कभी नहीं देखा गया टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन पेंटर ने वू दाउजी ने अपने काम को पर्दे से छुपा रखा था ताकि दूसरा कोई ना देख सके सो वनली द एम्पर वुड सी इट केवल एम्परर ही देख सके फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन काफ़ी समय तक एम्परर ने सम्राट ने उसके सुंदर दृश्यों को एडमायर किया उसकी प्रशंसा की डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स वॉटर क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई सारी चीज़ों को चाहे वो फॉरेस्ट हों माउंटेंस हों वॉटरफॉल्स हों जो भी चीज़ें पेंटिंग में थी सबकी खूब प्रशंसा की बादलों की मेन ऑन हिली पाथ्स पथरीले रास्तों पर जो इंसानों के चित्र बने थे बर्ड्स इन फ्लाइट उड़ती हुई चिड़िया के चित्र थे लुक सायर सेट द पेंटर और तब पेंटर ने कहा वोदाओजी ने कहा लुक योर मेजेस्टी इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन देखिए ये जो पेंटिंग है उसने एक पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग में उस लैंडस्केप में एक छोटी सी केव नीचे दिख रही थी इधर माउंटेन्स हैं और फुटहिल पे केव है उसने दिखाते हुए बोला इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन स्पिरिट देखिए यहां एक स्पिरिट रहती है एक प्रेत आत्मा रहती है एक भूत रहता है द पेंटर हिज हैंड्स फिर उसने ताली बजाई एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड और उस केव का दरवाजा खुल गया इमेजिन आप ये सोचिए कि पेंटिंग है पेंटिंग में एक केव है और केव का दरवाजा खुल गया एंड द एंट्रेंस टू द केव ओप द इनसाइड इज स्पलेंडेड फिर उसने कहा देखिए कितना भव्य दृश्य है अंदर का बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे इसको शब्दों में बया नहीं कर सकते प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टिक द वे आइए मैं आपको अंदर ले कर चलता हूँ आपको रास्ता दिखाता हूँ द पेंटर एंटर द केव पेंटर ने गुफा में प्रवेश कर लिया बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम लेकिन जैसे ही वो अंदर गया दरवाज़ा बंद हो गया एंट्रेंस बंद हो गया एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्पेर कुड मूव और अटर अवर्ड इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित एम्पेर सम्राट कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए द पेंटिंग हैड बैनिस्ट फ्रॉम द वॉल वो पेंटिंग दीवार से गायब हो गई नॉट द ट्रेस ऑफ वो दाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट वो दाऊजी के ब्रश का निशान तक नहीं मिला एंड द आर्टिस्ट वॉज नेगेन इन दिस वर्ल्ड और वो आर्टिस्ट भी फिर दुनिया में नहीं देखा गया वो दाऊजी फिर गायब हो गया इसीलिए कहा गया कि यह उसकी आखिरी पेंटिंग थी सच स्टोरीज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन ऐसी कहानियाँ चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में बड़ी आम हैं द बुक्स ऑफ कन्फ्यूसियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दम कन्फ्यूसियस और जुआंगजी ने जो किताबें लिखी हैं उसमें ऐसी कहानियाँ आम हैं दे हैव द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन और उन्हें हेल्प किया मदद की मास्टर को उसके डिसाइपल को सही दिशा में गाइड करने के लिए दिशा देने के लिए बियॉन्ड द एनेकडोट बियॉन्ड दिस रियल स्टोरी दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज डिस्कवर्ड आत्मा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ये सारी बातें बड़ी मायने रखती हैं ये परखी जाती थी उनकी पेंटिंग में कंट्रस्ट दिस स्टोरी इसके ठीक विपरीत और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर वुड नॉट आई ऑफ ड्रैगन एक दूसरी भी कहानी है वो भी चाइनीज पेंटर है फेमस पेंटर था अबाउट अ हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन एक ऐसे पेंटर की जिसने मारे डर के एक ड्रैगन तो ड्रॉ कर लिया था लेकिन उसकी आंखें नहीं बनाई फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग ये डर था उसको कि आंख बना देंगे वो पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा विद एन ओल्ड स्टोरी from माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट representative ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग तो वो दूसरी कहानी सुनाता है फ्लैंडर्स जो कि बेल्जियम में है अ प्लेस इन बेल्जियम तो ये बेल्जियन स्टोरी है दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव इसके पहले की कहानियाँ हम पाते हैं वो चाइनीज स्टोरीज हैं यानी कि एशियन पेंटिंग को वो डिनोट करते हैं प्रदर्शित करते हैं अब जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो यूरोपियन पेंटिंग को प्रदर्शित करता है

एक लोहार से अपनी बेटी की शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था उसको लगा कि ये बड़ा मीन प्रोफेशन है सो क्विंटन स्निको पेंटर्स स्टूडियो इसलिए ये क्या करता है क्विंटन मेडसेस एक दिन चुपके से उसके स्टूडियो में घुस जाता है एंड पेंटेड फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल तो लेटेस्ट जो उसका पैनल था स्क्रीन थी जहाँ पे वो पेंट करता था उसी पे ये पैनल हो गया और यहाँ पे इसने एक बना दिया फ्लाई एक मक्खी बना दी उसने विथ सच डेलीकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वैट इट अवे और इतना रियल बनाया कि मास्टर उसको भगाने की कोशिश करने लगा उसको लगा कि रियल है तो उसको भगाने लगा बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपेन्ड बाद में उसको पता चला कि ये तो असली नहीं है क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो तुरंत क्विंटन को उसने अपना शागिर्द बना लिया अपना चेला बना लिया ई मैरिड इज बिलब्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ इस फिर उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और उस जमाने का बहुत ही नामी गिरामी फेमस पेंटर बन गया प्रसिद्ध चित्रकार बन गया दीज टू स्टोरीज इलेट्रेट वर्ट इज ट्राइंग टू अचीव ये जो दोनों कहानियाँ हमने पढ़ी ये बताती हैं कि आर्ट कौन सी फॉर्म लेना चाहती है क्या इससे साबित होता है आर्ट मांगता क्या है चित्रकारी मांगती क्या है कला अ परफेक्ट एलोजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप अगर हम यूरोप में देखें तो एलोजनिस्टिक है मतलब आँखों को डिसीव करने वाली धोखा देने वाली दी इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया और एशिया में अगर देखें तो अंतर आत्मा इस्प्रिट प्रेत आत्मा एबस्ट्रैक्ट आइडियाज़ ये बातें होती हैं पेंटिंग में इफ आई से यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग या एशियन पेंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है तो बेसिक डिफरेंस क्या है यूरोपियन पेंटिंग एल्यूजनिस्टिक होती है जबकि एशियन पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपियरेंस चाइनीज कहानी में अगर हम देखेंगे तो जो एम्पर है कहता है कि पेंटिंग बनाओ बुदाऊ जी को कहता है पेंटिंग बनाओ और फिर उसके आउटर ब्यूटी को अप्रिसिएट करता है प्रशंसा करता है बट द आर्टिस्ट रिविल्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क लेकिन आर्टिस्ट उसको दिखाता है कि उसके वर्क का मेन मीनिंग ट्रू मीनिंग सच्ची मीनिंग क्या है सच्चा अर्थ क्या है द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर एम्पायर उस टेरिटरी पे राज कर सकता है जो उसने जीता है बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन लेकिन अंदर का वो मिस्टीरियस रास्ता गुप्त रहस्य केवल आर्टिस्ट ही जानता है लेट मी सो द वे क्या कहा उसने कि आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ द दाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड दाओ का मतलब रास्ता और तरीका एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स और मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ यूनिवर्स जो यूनिवर्स के मिस्टीरियस वर्क्स हैं गाओ का भी अर्थ है द पेंटिंग इज गॉन अभी पेंटिंग तो चली गई पेंटर भी चला गया बट द आर्टिस्ट हैज रीज हिज गोल लेकिन वो आर्टिस्ट अपने कार्य की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस हालांकि वो दिखता नहीं है कहीं भी उसका निशान नहीं है लेकिन वो अमर हो चुका है अब क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू अगर हम चाइनीज लैंडस्केप की बात करें परिदृश्य की बात करें तो वो एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है लाइक like, जैसे यूरोपियन पेंटिंग में होता है एज वुड a वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है एक रियल व्यू एक्चुअल पेंटिंग रियलिस्टिक पेंटिंग वेर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्स यू टू बोरो हिज आईज़ यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि आप उसकी आंखों से देखें उसकी नजरों से देखें वो वही देखें जो वो दिखाना चाहता है एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट जैसे वो दिखाना चाहता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल एक विशेष कोण से द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट लेकिन चाइनीज पेंटर की अगर हम बात करें तो वो सिंगल व्यू पॉइंट लेके नहीं चलता कि एक एंगल से ही आपको देखना है तभी रियलिस्टिक लगेगा आप कहीं से भी अलग अलग पॉइंट से उसको देख सकते हैं हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट वो रियल नहीं एबस्ट्रैक्ट है आप इसमें कहीं से भी एंटर कर सकते हैं देन ट्रेवल इन इट आप उसके अंदर ट्रेवल कर सकते हैं द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन आर्टिस्ट आपके लिए आपकी आंखों के लिए एक रास्ता तैयार करता है आप यात्रा कर सकते हैं उसमें अप एंड डाउन देन बैक अगेन फिर वापस आ सकते हैं इन अ लेजरली मूवमेंट आराम से बड़े आराम से गए और चले आए दिस इज इवन मोर थ्रू इन द केस ऑफ दी हॉरिजोनटल इस्क्र ये जैसे हॉरिजोंटल इस्क्रॉल चाइनीज पेंटिंग में ऐसे मोड़ करके पेपर मोड़ करके पेंटिंग बनाई जाती है इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन एक्शन ऑफ द पेंटिंग धीरे धीरे वो पेंटिंग खुलती है देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू दर फिर उसको रोल किया जाता है दूसरा मूव दूसरे की तरफ जाने के लिए एट्स डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अनोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग ये दोनों के बीच में समय अंतराल दिखता है इट ऑल्सो रिक्वायर्स दी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर और इसमें व्यूअर जो होता है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए अगर व्यूअर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा वो डिसाइड्स एट वॉट पेस यू विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग ये व्यूअर ही डिसाइड करेगा कि पेंटिंग में वो किस गति से यात्रा करना चाहता है इट इज़ ऑल अबाउट एब्सट्रैक्ट आइडिया पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन दैट मीन्स विद बॉडी एंड सोल टूगेदर द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज जैसा कि वेस्टर्न जो पेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से देखें उनकी नज़रों से देखें चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता द लैंडस्केप इज एन इनर वन ये जो लैंडस्केप परिदृश्य बनाता है वो वो आंतरिक होता है आई स्परिचुअल एंड कंसेपचुअल स्पेस स्पिरिचुअल होता है फुल ऑफ स्पिरिट आत्मा से संबंधित अंतर आत्मा से संबंधित एंड फुल ऑफ कंसेप्ट दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस ए सनसुई लिटरली माउंटेन वाटर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है उसको सनसुई के नाम से जाना जाता है चाइना में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत पानी माउंटेन वाटर विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप और दोनों मिला करके लैंडस्केप का निर्माण करते हैं परिदृश्य का निर्माण करते हैं मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दी इज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स ये न केवल दो इमेज हैं दो एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज हैं बल्कि ये दो पोल रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टिंग दी दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स जो दाओइज्म है जो मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है एक पोल ये हो गया माउंटेन दूसरा वाटर सन सुई द माउंटेन इज यांग माउंटेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यांग से यांग को माउंटेन बनाते हैं रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स जो ऊपर की ओर बढ़ता जाता मतलब है मतलब एक्टिव है स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन स्टेबल रहता है उसके अंदर ऊर्जा है और सूखता रहता है सन में धूप में वाइल द वॉटर इज जबकि जो वाटर एलिमेंट है बड़ा ही सोबर है उसको इन कहते हैं हॉरिजोंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ जो समतल है हॉरिजोंटल है वर्टिकल है तो यांग हॉरिजोंटल है तो यिन रेस्टिंग ऑन द अर्थ आराम से अर्थ पे है फ्लूइड मोआइड एंड कूल नम है ठंडी है द इंटरेक्शन ऑफ विन द रिसेप्टिव द इंटरेक्शन इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है दोनों पोल्स का इंटरेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव इसको रिसेप्टिव माना गया यानी सब कुछ सह सकती है इसके अंदर सहने की टॉलरेंस की क्षमता होती है फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी ये कौन है इसको फेमिनिन मादा माना गया एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग और इसका जो विरोधी है काउंटर पार्ट यानी मेल उसको यांग कहते हैं एक्टिव एंड मैस्कुलिन वो सक्रिय है पुरुष है इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाउइज निश्चित रूप से यही फंडामेंटल नोशन ऑफ दाविज्म है यही Taoism है यांग दावइज्म यांग माउंटेन जो ताकतवर है ऊपर ऊपर पड़ता रहता है जबकि इन फेमिली जेंडर को डिनोट करती है वट इज ऑफ एन ओवरलोग्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट अक्सर एक चीज को जिसपे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता ऑफ एन ओवरलोक्ड इज दर्ड एलिमेंट द मिडिल वायर्ड यानी इन दोनों पोल के बीच में जो बीच की जगह है उसको बोलते हैं मिडिल वाइड शून्य वेअर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस जहाँ ये दोनों का इंटरेक्शन यांग और इन in का इंटरेक्शन होता है दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा इसको आप प्राणायामा से रिलेट कर सकते हैं ब्रेद इन सांस अंदर लीजिए इनहेल रिटेन रोक के रखिए ब्रेद आउट एक्सेल द सस्पेंशन ऑफ ब्रेड इज द वाइड वे आर मेडिटेशन ऑकर्स तो बीच का जो रिटेनिंग का प्रोसेस है आपका जितनी देर आप सांस रोक के रखते हैं दैट इज वाइड वही शून्य है जहाँ पे मेडिटेशन होता है द मिडिल वाइड इज इसेंशियल ये जो शून्य है बीच वाला वो इसेंशियल है कंपल्सरी है नथिंग कैन हैपन विदाउट इट और बिना इस शून्य के कुछ भी घटित नहीं हो सकता हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप यहाँ पे इसका महत्व तो क्या है चाइनीज पेंटिंग में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी जाती है वाइड स्पेस अनपेंटेड स्पेस और वही क्या है मिडिल वाइड है दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल और यही वो जगह है जहाँ पे धरती का मनुष्य अपना रोल समझता है अपना मूल भाव समझता है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ और ये स्पेस कौन सा है हेवन और अर्थ के बीच में स्वर्ग और धरती के बीच का स्पेस है ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन कंडुइट मीडियम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स यांग एंड यिन, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी ऑफ चाइना हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल इंसान का प्रेजेंस भी क्या है इसेंशियल है इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड हालांकि ये केवल सजेशन है फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाई द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप तो असल में यही है द आई ऑफ़ द लैंडस्केप द लिंक विच लीड्स टू द ट्रू मीनिंग वो लिंक जो सच्ची मीनिंग दिखाता है लेके जाता है सच्चाई की तरफ